हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले उसकी डीप एनालिसिस कर लें और अपने ही रिस्क पे उसमें इन्वेस्ट करें। VMG शेयर की एनालिसिस करेंगे, वो है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसकी जब IPO में लिस्टिंग हुई थी तो बहुत ही अच्छा खासा इसने गेन दिया था, ऑलमोस्ट इसने पैसे डबल कर दिए थे। एंड उसके बाद फर्स्ट मंथ में ये लो लगाता है लगभग 857 का, और उसके बाद उसने वो लो कभी तोड़ा नहीं। एंड उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट होके 1 2 3 मंथ में इसने फिर से जो 800 का लेवल था उसको भी ऑलमोस्ट डबल कर दिया। एंड 3 मंथ के एक रैली के बाद इसमें 1 महीने का एक करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये विक दिख रही है, इस ये जो कैंडल है इतना बड़ा वीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, बाइंग हैपनिंग हुई है और ये कैंडल पे ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आके इसको टच करके फिर यहाँ गया है, फिर से यहाँ पे ओपन हो के फिर से ऊपर की ओर निकल रहा है। तो ये जो शेयर है यहाँ पे काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस शेयर में, और छोटे पे टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे कि हम अपनी पोजीशन कहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए है ना, सुंदर यहाँ से गया नीचे, फिर ऊपर जाके फिर से उसी लेवल से सपोर्ट लिया जो लास्ट टाइम का सपोर्ट ओपनिंग प्राइस था, एंड हैमर टाइप कैंडल बना रखा है एंड ऊपर की ओर निकल रहा है। अभी जब ये ऊपर की ओर निकल रहा है, ठीक है, तो अभी वीकली चार्ट पे ये लगभग 1350 रुपये का है, 1333 रुपये पे इसका प्राइस चल रहा है। तो हम देख लेते हैं हम कहाँ पे इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा, ठीक है, प्राइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ से निकल रहा है। हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है, और जब इसने ये वीक इस नेक को इसने जब यहाँ से क्रॉस किया है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी कैनवस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ये जो नेक को जब ब्रेक करके यहाँ से निकला है, ठीक है, तो ये यहाँ से लगभग ये जो है पॉइंट, ठीक है, इसका ऊपर डबल जा सकता है। तो ये लगभग 1150 से अगर इसको 1350 मान लेते हैं तो यहाँ से 200 रुपये, मतलब यहाँ से 400 रुपये के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है, ठीक है, जो कि होता है लगभग इसको ऑल टाइम हाई के पास फिर से पहुँचा देगा। तो अभी जो इस शेयर में स्थिति दिख रही है, ठीक है, अगर अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी सही समय हो सकता है, क्योंकि देखिए इसने अच्छा खासा यहाँ पे लास्ट टाइम इसने 5.36 का इसने रिटर्न तो दे दिया है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो नेक है, इसके नीचे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ये जो लाइन है इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, 1280 के आसपास हम लोग इसका स्टॉप लॉस रख के इसमें अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, और हाँ वेट कर सकते हैं आने वाले टारगेट का। जो फर्स्ट टारगेट है वो ये टारगेट है 1476 रुपये का, एंड फिर जो ऑल टाइम हाई होगा 1550 1560 रुपये का, वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं और आने वाले टारगेट का वेट कर सकते हैं। जब भी ये शेयर यहाँ पे आए, ठीक है, तो आपको इस प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस बस ट्रेल कर लेना है जब यहाँ पे ये आने के बाद प्राइस एक्शन बनाएगा उस समय, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, और जब यहाँ भी आए तो आपको क्या करना है, जब प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगा तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, क्योंकि जब ये यहाँ पे फिर से आएगा, ठीक है, तो ये और ऊपर जाएगा और यहाँ से लगभग 2000 के लेवल तक भी ये जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा ये शेयर स्ट्रांग दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये शेयर समझ में आया होगा, इसकी एनालिसिस, और आपको सही समय पे ये शेयर की एनालिसिस मिली होगी जिससे आप इसमें सही समय पे अपना पोजीशन बना पाएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।